बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद नई आज हम सेवन मैथमेटिक्स ऑक्सफोर्ड का यूनिट नंबर वन स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट नंबर वन में आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2। तो एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, कि इनमें से आपने बताना है कि फाइनाइट सेट कौन से हैं और इनफाइनाइट सेट कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आपको बताओ कि फाइनाइट कौन से होते हैं और उसके बाद इनफाइनाइट कौन से होते हैं। तो फाइनाइट सेट आपके पास ऐसे सेट होते हैं कि जिनको आप काउंट कर सकते हैं, कि लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, उनको हम फाइनाइट सेट कहते हैं। और इनफाइनाइट सेट ऐसे सेट होते हैं कि जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो इसका हम पार्ट नंबर ए करते हैं। पार्ट नंबर ए हमारे पास सेट ऑफ ए इक्वल है 1, 2, 3, 4। अब ये आपके पास सेट ऑफ ए आपको दिया है 1, 2, 3, 4, इनको आप काउंट कर सकते हैं कि ये आपके पास चार एलिमेंट है 1, 2, 3 और 4। तो इनको आप काउंट कर सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये आपके पास कौन सा सेट है, फाइनाइट सेट है। उसके बाद पार्ट नंबर बी आपके पास सेट ऑफ ए इक्वल 1, 2, 3, 4 और एंड सो ऑन। अब ये नंबर आपके पास चल रहे हैं, हमें नहीं पता ये कहाँ तक जा रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट है कि जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। तो इनको आप कह सकते हैं कि ये आपके पास इनफाइनाइट सेट है, कि फाइनाइट सेट जिनको आप काउंट कर सकते हैं और इनफाइनाइट सेट जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। पार्ट नंबर सी हमारे पास कि आर सेट सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10, कि 10 से छोटे प्राइम नंबर का सेट। तो आपको पता हो कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिरे पर 2 फैक्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है 2, अब इसके फैक्टर कौन-कौन से हैं, कौन-कौन से नंबर के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, एक 1 के साथ हो रहा है और एक ये खुद अपने साथ हो रहा है। इस तरह के नंबर को हम कहते हैं प्राइम नंबर कहते हैं, कि जिनके सिरे पर 2 फैक्टर हो, जिनके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर हो, 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर हो, उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो वो कह रहा है कि आपने 10 से छोटे प्राइम नंबर लिखने हैं, तो 10 से छोटे इसने आपको बता दिया है 10 से छोटे प्राइम नंबर, और आपको पता है कि 10 से छोटे आपके पास प्राइम नंबर है 1 है 2 3 5 और 7। अब आपको पता है कि ये 10 से छोटे कितने आपके पास प्राइम नंबर है 1, 2, 3 और 4, तो आप कह सकते हैं कि ये आपके पास कौन सा सेट है, ये आपके पास फाइनाइट सेट है। लास्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर डी, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, कहते हैं तमाम नेचुरल नंबर का सेट। तो आपके पास वो कह रहा है ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3, 4 और एंड सो। अगर यहाँ पे वो कह रहा है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर अगर उसने हमें दे दी होती, यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10 या ग्रेटर देन 10 लेस देन 20, तो फिर हमने कहना था कि इनको हम काउंट कर सकते हैं। अब उसने कहा है कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तमाम के तमाम नेचुरल नंबर का सेट। अब हमें नहीं पता है कि नेचुरल नंबर, ये तो हमें पता है कि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, अब हमें ये नहीं पता कि ये नंबर कहां तक जा रहे हैं, इसलिए ये आपके पास वो सेट हुआ कि इनफाइनाइट सेट हुआ। नेक्स्ट हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर हमारे पास 1.3। तो 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास कि प्रूव दैट ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए, कि लेफ्ट हैंड साइड आपने राइट हैंड साइड के इक्वल करनी है। तो इसका पार्ट नंबर ए सेट ऑफ ए में दिया हुआ है ए और सेट ऑफ बी में दिया हुआ है ए और बी। तो पहले हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ए यूनियन बी। तो पहले आपने सेट ऑफ ए के एलिमेंट लिखे, उसके बाद यूनियन बी, आपने सेट ऑफ बी के एलिमेंट लिखे ए और बी। ए यूनियन बी जब आप करेंगे तो आपको पता है कि यूनियन में जो आपके पास नंबर कॉमन हो या ना कॉमन हो, अनकॉमन हो, इनको हम तरतीब के साथ एक सेट में क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे ए आपके पास दो बार आ रहा है, इसको आपने सिर्फ एक बार लिखना है। अगर आप इसको इस सेट में दो बार लिखेंगे तो ये आपके पास सेट नहीं होगा। तो इसलिए जो कॉमन एलिमेंट हो और जो अनकॉमन एलिमेंट हो उनको आपने तरतीब के साथ एक सेट में क्लोज कर देना होता है। तो ये आपके पास आ गया ए, ये आपके पास आंसर आ गया ए और बी, ये भी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद हम देखते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमारे पास बी यूनियन ए, बी यूनियन ए। पहले आपने सेट ऑफ बी के एलिमेंट लिखे, उसके बाद यूनियन, फिर आपने सेट ऑफ ए के एलिमेंट लिखे। तो बी यूनियन ए जब आप करेंगे तो वही जिस तरह आपने ए यूनियन बी किया वैसे ही आपने बी यूनियन ए करना है। तो बी यूनियन ए का भी आंसर आपके पास आ जाएगा ए और बी। तो आप कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर बी, सेट ऑफ बी आपको दिया 2
6 और सेटा बी भी है 1 3 और 5। तो इसमें भी आपने पहले लेफ्ट हैंड साइड आप कर ले, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ए यूनियन बी, पहले आपने सेटअप ए के एल में लिखे, फिर उसके बाद यूनियन, फिर उसके बाद सेटअप बी। तो ए यूनियन बी भी आपके पास आंसर आ रहा है 1 2 3 4 5 और 6 के जो कॉमन एलिमेंट हो और अनकॉमन एलिमेंट हो उनको आपने तरतीब के साथ एक सेट में क्लोज करना होता है। तो यहाँ पे आपके पास कोई भी नंबर जो है वो सेम नहीं है, डिफरेंट नंबर है, तो इनको आपने ऐसे ही एक सेट में जो है वो तरतीब के साथ लिख देना। तो ये आपके पास आ गया ए यूनियन बी। उसके बाद हम करते हैं इसी की राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है हमारे पास बी यूनियन ए, पहले आपने सेट ऑफ बी के एल में लिखे, फिर उसके बाद यूनियन लिखा, फिर आपने सेट ऑफ ए के एल में लिखे। तो बी यूनियन ए में भी आपने ऐसे करना है कि इनको आपने तरतीब के साथ एक सेट में क्लोज कर देना, 1 2 3 4 5 और 6। तो आपके पास आ रहा है ए यूनियन बी का आंसर 1 2 3 4 5 6 और बी यूनियन ए का आंसर आपके पास आ रहा है 1 2 3 4 5 और 6। तो आप कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपने प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए के। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने किया ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए के, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपने करना है यूनियन की जगह पे आपने क्या लिखना है इंटरसेक्शन। तो इसका पार्ट नंबर ए हमारे पास सेट ऑफ ए भी है 1 3 5 और सेट ऑफ बी भी है 0 2 और 4। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले आपने सेट ऑफ ए के एल में लिखे, उसके बाद लिखा इंटरसेक्शन, उसके बाद सेट ऑफ बी है तो आपने सेट ऑफ बी के एल में लिखे। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आ रहा है खाली सेट, एम्प्टी सेट हमारे पास आ रहा है। कैसे, अब आपको बताओ कि इंटरसेक्शन क्या होता है। इंटरसेक्शन ये होता है कि आपके पास दो कोई से दो सेट हों, उनमें जो कॉमन एलिमेंट होंगे उनको आप इंटरसेक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे सेट ऑफ ए और बी में आपके पास कोई भी एलिमेंट, कोई भी नंबर आपके पास कॉमन नहीं आ रहा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या देगा, खाली सेट आ देगा। उसके बाद हम इसी की राइट हैंड साइड करते हैं बी इंटरसेक्शन ए। पहले आपने सेट ऑफ बी के एलिमेंट लिखे, उसके बाद लिखा इंटरसेक्शन भी, तो आपने सेट ऑफ ए के एलिमेंट लिखे। तो बी इंटरसेक्शन ए आपके पास क्या आ रहा है, एम्प्टी सेट आ रहा है कि इनमें कोई भी एलिमेंट, कोई भी नंबर जो है वो कॉमन नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एम्प्टी सेट है। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए, के दोनों का आंसर आपके पास इक्वल आ रहा है। पार्ट नंबर बी के हमारे पास सेट ऑफ ए आपको दिया है ए बी, और सेट ऑफ बी दिया है बी सी और डी। इसको भी आपके पार्ट नंबर ए की तरह करना है। पहले आप ले लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी, तो ये आपका सेट ऑफ ए के एलिमेंट इंटरसेक्शन, उसके बाद सेट ऑफ बी के एलिमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी इन दोनों में आपके पास कॉमन आ रहा है बी, तो आप कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी आपके पास आंसर आ गया बी, क्योंकि इन दोनों में कॉमन आपके पास बी आ रहा है, जो कॉमन एलिमेंट होंगे वही हमारा इंटरसेक्शन होगा। राइट हैंड साइड में आपके पास बी इंटरसेक्शन ए, पहले आपने सेट ऑफ बी के एलिमेंट लिखे इंटरसेक्शन, उसके बाद सेट ऑफ ए के एलिमेंट लिखे। तो बी इंटरसेक्शन ए में भी आपके पास कॉमन क्या आ रहा है बी, तो आप कह सकते हैं